नमस्कार बच्चों, आज हम अपने संस्कृत में पाठ दो, द्वितीय जो पाठ है उसके व्याकरण जो प्रश्न है व्याकरण के, वो हल करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, अधोलिखितेषु धातु लकार पुरुष वचनानाम निर्देशम कुरुत है। यहाँ पे जो कुछ शब्द लिखे हुए हैं उनके आपको धातु लकार पुरुष लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे है निवशन्ति। क्या है निवशन्ति? निवशन्ति में है हमारा वस धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन है। कौन सा वचन है? बहुवचन। ठीक है, अगला हमारा है अपश्यत। अपश्यत में दृश धातु है, दृश धातु, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एकवचन, प्रथम पुरुष एकवचन है। अगला हमारा है दर्शिष्यति। दर्शिष्यति जो है वो हमारा लिरिट लकार का है, दृश धातु है, लकार कौन सा है? लिरिट लकार है। इसमें भी प्रथम पुरुष एक वचन है। अगला हमारा है पश्यामी। पश्यामी में भी हमारी दृश धातु है, इसमें है हमारा लट लकार है, उत्तम पुरुष है और एक वचन। ठीक है, आगे चलो। आगे हमारा है बबूहु। बबूहु में हमारा भू धातु है, लिट लकार है, इसमें लिट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, बहुवचन। अगला हमारा है उवाच। उवाच में हमारी ब्रू, ब्रू जिसको वच धातु लिखा जाता है, वच धातु, लिट लकार है इसमें भी, प्रथम पुरुष एक वचन। अगला है अकरोत। अकरोत में कृ धातु है, यहाँ पे कृ धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। आगे देखो अधोलिखितेषु पदेषु शब्द विभक्ति वचनानाम निर्देशम कुरुत है। यहाँ पे हमें शब्द और विभक्ति और वचन लिखना है। यहाँ पे हमारा है पहला, सबसे पहले तीरे, यहाँ ये तो आपकी बुक में दे रखा है। अगला हमारा है पक्षिणे। पक्षिणे में पक्षी शब्द है, पक्षी शब्द है, यहाँ पे प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। कौन सा वचन है? बहुवचन है। अगला हमारा है चंद्रमसी। चंद्रमसी में हमारा चंद्रमस शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अगला हमारा है तस्मीन। तस्मीन में तत् शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। व्याधेन। व्याधेन में हमारा व्याध शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन। वने में वन शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। सर्वे में सर्व शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ठीक है, अगला देखो निम्नलिखितेषु शब्देषु संधि नाम निर्देश सहितम संधि विच्छेदम प्रदर्शत। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका हमें संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताना है। यहाँ पे हमारा है कुतो अत्र। यहाँ पे कुत है प्लस अत्र, कैसे लिखा जाएगा? कुत है प्लस अत्र। यहाँ पे हमारी हो गई विसर्ग संधि। कौन सी हो गई? विसर्ग संधि। अगला है हमारा व्याकुल स्थलित। इसमें भी ऐसे ही होएगा, व्याकुल है, चलित है, इसमें भी हमारी विसर्ग संधि है। अगला है अप्येवम, इसका होएगा अपि, अप्येवम का होएगा अपि एवम,
यण संधि है यहाँ पे। अगला है प्रतिकारस चिंत्याम, यहाँ पे होएगा प्रतिकार है, क्या होएगा प्रतिकार चिंत्यताम, चिंत्यताम, यहाँ पे भी विसर्ग संधि है। अगला हमारा है सर्व एक चित्ति भूये, यहाँ पे भी विसर्ग संधि है, सर्वई एक चित्ती भूये, यहाँ पे भी विसर्ग संधि है। अगला है सुदूर जाला पकहाकान, तो यहाँ पे हमारा होएगा सुदूरात, 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 सुदूरात जाल अपहारकान, यहाँ पे हमारी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अगला है हमारा अधिस्नेसु पदेशु नाम निर्देश सहितम समास विग्रह विधेयम, विधेय, सॉरी गोदावरी तीरे का आपकी बुक में ऑलरेडी दे रखा है। अगला है हमारा अनिष्ट दर्शनम, अनिष्ट दर्शनम, जिस भी शब्द के अ लग जाता है वो हमारा स्टार्टिंग में जिसके अ लगा हुआ होता है वो नए तत्पुरुष होता है। कौन सा होता है? नए तत्पुरुष। इसमें अनिष्ट दर्शनम में हमारा समास विग्रह होएगा न इष्ट दर्शनम, न इष्ट दर्शनम, इसमें हमारा नए तत्पुरुष है, कैसे लिखेंगे? नए तत्पुरुष। अगला हमारा है अनभिमतम, ये भी इसी प्रकार से है, इसका समास विग्रह होएगा न अभिमतम, क्या होएगा? न अभिमतम, इसमें भी नए तत्पुरुष है। अगला हमारा है सपरिवार है, सपरिवार है, इसका समास विग्रह होएगा परिवारेण सहित है, क्या होएगा? परिवारेण सहित है, इसमें हमारा कर्मधारी समास है। अगला हमारा है निर्जनम, इसमें भी, इसमें देखो निर्जनम यानी कि जहाँ पर कोई लोग नहीं रहते, इसका समास विग्रह क्या होएगा? जनानाम अभाव है, जनानाम अभाव है, इसका समास है अव्ययी भाव, निरुपसर्ग लगा हुआ है इसमें स्टार्टिंग में, इसलिए इसमें यहाँ पे है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अगला है मत दंती ने, मत दंती ने, इसका समास विग्रह होएगा मत्ता दंती ने, यहाँ पे हमारा कर्मधारी समास है। अगला हमारा है अविचारितम, अविचारितम, इसमें भी स्टार्टिंग में ए लगा हुआ है तो इसका समास विग्रह होगा न विचारितम, न विचारितम, यहाँ पे कौन सा समास है? न तत्पुरुष, ठीक है। अगला हमारा है निम्नलिखितेषु शब्देषु प्रकृति प्रत्यय विवेच्यताम, पहला दे रखा है, दूसरा देखिए आप जातम, जातम में हमारा जन शब्द है, जन शब्द है कत प्रत्यय। अगला है विकीर्य, विकीर्य में वी उपसर्ग है, क्री धातु है, ल्यप प्रत्यय है। अगला हमारा है प्रच्छन्न, प्रच्छन्न में प्र उपसर्ग है, छिद धातु है, कत प्रत्यय है। अगला हमारा है ईर्षि, ईर्षि में यहाँ पे इस शब्द है, ईश इनी और ताप दो प्रत्यय हैं इसमें, ठीक है। अगला हमारा घृणी है, जिसके अंदर घृणा शब्द है और इति प्रत्यय है, ठीक है। अगला देखो निम्नलिखित पदानाम प्रयोगम स्वयं वाक्येषु कुरुत, निम्नलिखित जो यहाँ पे शब्द दे रखे हैं इनका प्रयोग आपको अपने वाक्यों में करना है, पहला ऑलरेडी आपकी बुक में दे रखा है, दूसरा है वायसे, वायसे का क्या करेंगे? वायसे वृक्षे तिष्ठति, जो कौवा है वो वृक्ष पर बैठता है, वायसे वृक्षे तिष्ठति। अगला है चित्रग्रीव, चित्रग्रीव है कपोत राजा अस्ति, चित्रग्रीव कबूतरों का राजा है। अगला हमारा है व्याध, व्याध है ग्रहम प्रतिगत है,
अगला है असंतुष्ट, इसका है स असंतुष्ट दृश्यते। अगला प्रतिकार, अत्र प्रतिकार है करणीय। अगला है पक्षिणे, पक्षिणे आकाशे विचलंती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा सम्यक विभक्तिम संयोजे कोष्टक गतेन शब्देन रिक्त स्थानम पूरियत। पहला आपको ऑलरेडी करके दे रखा है, यहाँ पे उदाहरण समझा रखा है। अगला है औसन्नायाम ब्लैंक है फिर वायसे प्रबुध है, तो कोष्टक में आपके यहाँ पे रात्रि दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लैंक में हमारा आएगा रात्रौ, क्या आएगा रात्रौ। अगला हमारा है तेन ब्लैंक जालम विस्तीर्ण विस्तीर्णम, तो यहाँ पे कोष्टक में व्याद दे रखा है लेकिन यहाँ पे आएगा हमारा ब्लैंक में व्याधेन, क्या आएगा व्याधेन। अगला है हमारा कपोत राज तंडुल कर्ण लुब्दान ब्लैंक अकथियत, कपोत का आएगा कपोतान, क्या आएगा यहाँ पे कपोतान। नेक्स्ट है ब्लैंक है पहले कपोता तत्रो उपविष्टा सर्व, सर्व का यहाँ पे हो जाएगा सर्वे, क्या हो जाएगा सर्वे। अगला है अल्पानाम अपि वस्तुना सॉरी ब्लैंक सहति कार्य शादी का, कोष्टक में वस्तु दे रखा जहाँ पे यहाँ पे हमारा आएगा वस्तुनाम। अगला हमारा है शैव याद है जाला पहार कान ब्लैंक अवलोक्य पश्चात धावना मैं करो तद, तद का यहाँ पे क्या हो जाएगा तान, क्या हो जाएगा तान, ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ आ गया होगा व्याकरण प्रश्न, आपको ये सभी आपकी बुक में फील करना है, ठीक है, ये सब आपको अपनी बुक में फील करना है और ये होमवर्क आपको करना है। और जो पिछली वीडियो में हमने निबंधात्मक और अति लघुतरात्मक दिए थे वो आपको कॉपी में फेयर कॉपी में अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में होमवर्क करना है। थैंक यू बच्चों।